अब करते हैं अगला इसी चैप्टर का 15 नंबर सवाल। इस सवाल को मैं दो तरीके से बताऊंगा बनाना, पहले नॉर्मल तरीके से, उसके बाद थोड़ा सा हम अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हमारा नॉर्मल बेसिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सवाल है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, जहाँ x जो है वो 3 और माइनस 3 के बराबर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो x माइनस 3 और इधर x प्लस 3, तो ये हो गया यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ऊपर देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 9, और यहाँ पे प्लस 6 तो रहेगा बाहर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 9। नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस में है, तो हम सीधे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया प्लस 6x स्क्वायर माइनस, ये तो है 6 और 6 36x प्लस 54, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5। अब ऊपर का सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 7x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 30x, और ये प्लस क्या हो गया 63। इधर कर देते हैं हम इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 5x स्क्वायर माइनस 45। अब आगे हम करेंगे इस पूरे को इधर लेके चले आते हैं, तो ये हो गया 7x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63 माइनस 5x स्क्वायर, और ये प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये माइनस 30x है ही, और इधर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 108 इक्वल टू 0। अब लेंगे हम मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, तो इधर तो 2 है ही, और इसके साथ क्या क्या आ जाएगा, 108 का फैक्टर होगा। 108 का फैक्टर क्या होगा, तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो गया 4 चार दिया 12 बारह दिया 36 दिया 108, ठीक है, और ये 2, तो हमें लाना कितना है, हमें लाना है 30। 30 लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाता है 4 दिया 12 और 9 दुनिया 18, 12 18 30, तो हम करते हैं 12 18 30, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 12x प्लस 108 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x प्लस 108 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि ये माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर ये प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से कॉमन जा रहा है 2x, तो ये x माइनस 9, यहाँ पर क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन x माइनस 9 और ये 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0, क्या हो गया x इक्वल टू 9, और 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 12 बटा 2 यानी कि 6, तो x बराबर
तो इससे क्या पता चला कि एक्स जो है वो या तो 9 होगा या तो 6 होगा। तो चलिए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो अब दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में देखिए यहाँ पे ये एक्स प्लस 3 बाय एक्स माइनस 3 यहाँ पर ठीक इसी चीज़ को उलट दिया गया है। तो हम अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये तो एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 ये तो है ही प्लस 6, और हम इसको अगर लिखें 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 तो ये भी सही है इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जो है ये दोनों बराबर हो गए, तो हम मान लेते हैं, माना जो ये x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 है इसको कुछ a b c या x तो है ही z मान लेते हैं। तो ये सवाल का चेहरा कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z प्लस 6 बाई z इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया एलसीएम लेंगे z, तो इधर हो गया z स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5, ये z स्क्वायर प्लस 6 और इधर गया तो ये हो गया 5z। अब इसको इधर लेके चले आते हैं तो ये हो गया क्या z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, तो मिडिल टर्म फैक्टर करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा z स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 जेड प्लस 6, तो 6 का फैक्टर 3 और 2। अब यहाँ पर आगे तो ये जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड माइनस 2 जेड प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ जेड कॉमन, तो ये हो गया क्या जेड माइनस 3 और इधर माइनस 2 कॉमन, तो ये हो गया z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर z माइनस 3 इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा ये हो गया क्या हमारा सॉल्यूशन, मतलब लगभग आ चुका है। अब हम z का मान रखेंगे एक एक करके, तो अब हम करते हैं आइदर z माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि z बराबर क्या हो गया यहाँ पर 3। अब z का मान रख देते हैं, यहाँ पे z माना था हमने क्या, तो x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 z का मान रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3। अब कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 9, यानी अगर हम इस x को इधर 9 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x बराबर ये क्या हो गया 12, यानी कि x बराबर यहाँ पे क्या निकला 6। आइदर x बराबर 6, अब दूसरे तरीके से दूसरा वाला यहाँ पे जो है और में z बराबर क्या है z माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या निकला z बराबर 2 निकला। तो अब हम यहाँ पे z का मान रखेंगे, तो z का मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये हो गया x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x प्लस 3 इधर करेंगे तो 2x माइनस 6। अब यहाँ से x को उधर लेके जाते हैं और 6 को इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या दिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ पे भी x बराबर 6 और 9 निकला, यानी x क्या होगा या तो 6 होगा या तो 9 होगा, और पिछला जो सॉल्यूशन हमने किया वहाँ पर भी यही आंसर था। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।